वेलकम टू ब्लेंडर। इस वीडियो में हम फोटोरियलिस्टिक मार्बल मटेरियल कैसे क्रिएट करना वो देखेंगे और अलग अलग टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना वो समझेंगे। वैसे इस वीडियो में हम नोड एडिटर का ही इस्तेमाल करेंगे और नोड के जरिए हम प्रोसीजरल तरीके से मार्बल को क्रिएट करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा एडवांस होने वाला है, तो जो बिगिनर है वो थोड़ा ध्यान से देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा मार्बल का मटेरियल होगा। वैसे इसमें मैंने HDR की लाइटिंग यूज़ की है, आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो आ जाते हैं हम डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट पर, और ये जो क्यूब है ये डिफ़ॉल्ट क्यूब है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो हम इस क्यूब का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट क्यूब है, इसे कोई ज़्यादा यूज़ करता नहीं है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसे पहले स्मूथ करेंगे बेवल इफेक्ट देने। तो टैब प्रेस करेंगे, एडिट मोड पर जाएंगे, कंट्रोल बी बेवल इफेक्ट के लिए, और कर्सर के ज़रिए इसकी जो एजिज है उसको इंक्रीज़ करेंगे स्मूथनेस देने के लिए। तो इतनी काफ़ी है, और इसको स्मूथ करेंगे, शेड स्मूथ। अच्छा, आ जाते हैं डायरेक्ट शेडिंग पर। अच्छा, शुरू करने से पहले इस विंडो को मैं इसमें ज्वाइन कर दूंगा, इसका हमें काम नहीं है अभी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मटेरियल पर आ जाएंगे, शेडिंग पर। ये जो है हमारा डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, तो इसमें सबसे पहले तो हम इसमें लाइनिंग इफेक्ट देने के लिए वेरोनोई टेक्सचर का यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट ए टेक्सचर, वोरोनोई टेक्सचर, और इस टेक्सचर को अप्लाई करने के लिए हम कलर रैम्प का यूज़ करेंगे। शिफ्ट ए सर्च करेंगे हम कलर रैम्प, एंटर। तो इस डिस्टेंस को हम ज्वाइन करेंगे फैक्टर में और कलर को कलर में। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ चेंजेस आया है, यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो अभी इसे डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। अच्छा, यहाँ से F1 को हम रिप्लेस कर देंगे डिस्टेंस टू एज से, ताकि इसमें थोड़ा क्रैकी लुक आए, जो कि मार्बल का लुक होता है। अच्छा, यहाँ पर इसको वोरोनोई टेक्सचर, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है, वोरोनोई टेक्सचर ही कहते हैं इसे। तो इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, तो ये दो मैप आपको मिलेंगे, मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये मैप तभी आएगा जब आपका नोड व्रेंगलर जो एड ऑन है वो इनेबल रहेगा। तो पहले तो आपको यहाँ पर जाकर प्रेफरेंसेस में जाना होगा और एड ऑन में जाना होगा, यहाँ टाइप करना होगा नोड व्रेंगलर, ये आपका इनेबल होना ज़रूरी है, तभी आप जो है कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो ये दो मैप आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करूँगा वेक्टर के साथ, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पर ही मटेरियल क्रिएट करेंगे प्रोसीजरल तरीके से। अच्छा, यहाँ से जो हमारा स्केल है वोरोनोई टेक्सचर में, इसको हम रिड्यूस करेंगे, 2 कर देंगे, या आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करेगा। तो मैं इसमें 2 रखूँगा अभी के लिए। और इस ये अभी जो है इसमें लाइन लाइन दिखाई दे रही होगी, इस लाइन को हम डिस्टॉर्ट करेंगे, तो नॉइस टेक्सचर का यूज़ करेंगे। शिफ्ट ए टेक्सचर, नॉइस टेक्सचर, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो आप देख सकते हो जो लाइन थी वो नॉइस में बदल चुकी है, मतलब वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है, ताकि इसमें थोड़ा मार्बल का लुक आए। इसमें डिटेल में हम करेंगे 10, ज़्यादा डिटेल देने के लिए। लेकिन ये जो है कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुका है, हमें जो है बीच का चाहिए, मतलब कम्प्लीट लाइन भी नहीं चाहिए और कम्प्लीटली नॉइस भी नहीं। तो इसे बराबर करने के लिए हम मिक्स RGB का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट ए सर्च करेंगे हम यहाँ पर मिक्स RGB, एंटर, और इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कलर में प्लेस करेंगे। तो अब ये लोड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये जो ज़्यादा जो इसमें डिस्टोर्शन था वो कम हो चुका है। अगेन यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, अगर मैं इसे फुल रखूँगा तो ये अगेन लाइन बन जाएगा वोरोनोई टेक्सचर से जो हमें मिला था वो, और अगर मैं 0 रखूँगा तो ये कम्प्लीटली नॉइसी हो जाएगा। तो ये किस तरह से रखना है वैसे डिज़ाइन तो आप पर ही डिपेंड करेगा। तो मैं इसको कुछ हल्का सा, मतलब थोड़ा ज़्यादा रखूँगा 0.5 से, इसमें 0.6 रख दूँगा मैं, सॉरी 0.65 सही रहेगा, अगेन ये आप पर ही डिपेंड करेगा। अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, इसे थोड़ा ऊपर की साइड ले लेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर, जो कि होगा हमारा इसमें और ज़्यादा स्मूथनेस ऐड करेंगे। ये जो अभी इसमें जो लाइन आपको दिख रही है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो इसको स्मूथ करने के लिए अगेन हम जो है नॉइस टेक्सचर का यूज़ करेंगे। तो इसी नॉइस टेक्सचर को हम जो है शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे। सिमिलरली कलर रैम्प को भी डुप्लीकेट करेंगे,
इस फैक्टर को इस फैक्टर में, और इस वेक्टर को जो है इस वेक्टर में करेंगे, और इस कलर को जो है हम बेस कलर में नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें पहले मिक्स आरजीबी का जो शेडर है उससे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा मिक्स आरजीबी एंडर, अच्छा इससे पहले जो है हमें ये यहाँ पर आपको जो है कलर दिखाई दे रहा होगा, एक ब्लैक और एक है वाइट। अगर मैं ब्लैक को इनक्रीज करूँगा, वैसे अभी पता नहीं चलेगा, इसको एक बार के लिए हम म्यूट कर देंगे एम प्रेस करके, और अगर मैं इसको इनक्रीज करूँगा ब्लैक वाले को, तो ये जो ब्लैक है वो काफ़ी डार्क होता जाएगा, और अगर मैं वाइट को इनक्रीज करूँगा तो आप देख सकते हो इसमें वाइटनेस जो कलर है वो इनक्रीज होगा। तो अगेन ये आप पर डिपेंड करेगा, आपको आपको अगर वाइट मार्बल की ज़रूरत है तो आप इसमें वाइटनेस इंक्रीज कर सकते हो, और अगर ग्रे आपको अच्छा लगता है तब ग्रे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा मैं इसे इंक्रीज करूँगा वाइटनेस देने के लिए, कुछ इस तरह से। अगेन इसमें आप देख सकते हो काफ़ी शार्प है जो ब्लैक लाइन है, इसे स्मूथ करने के लिए ही हमने जो है सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है। तो अगेन हम मिक्स आरजीबी का यूज़ करेंगे, अनम्यूट कर देंगे और इस कलर को जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रिजल्ट मिला है, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा डल हो चुका है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इसे। अगर मैं पूरा ज़ीरो कर दूंगा तो पहले जैसा हो जाएगा, अगर वन कर दूंगा तो पूरा डल हो जाएगा, तो ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको रखूँगा कुछ 0.2 या 0.15 रखूँगा, आई थिंक ये सही है 0.15। अगेन इसमें ब्लैक कलर अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये डार्क बनेगा, और अगर वाइट इंक्रीज़ करूँगा तो इसमें स्मूथनेस आएगी। तो वाइट को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगा ताकि जो ये शार्प एजेस है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। अच्छा जो हमारा तीसरा स्टेप होगा वो भी सेम होगा, और ज़्यादा स्मूथनेस इसमें हम ऐड करेंगे। तो अगेन नॉइस टेक्सचर को डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर, कलर रैम्प को भी इसे हम डिफ़ॉल्ट पर लेकर आएंगे, फैक्टर फैक्टर में, और अगेन कलर ऐड करने के लिए मिक्स शेडर का, सॉरी मिक्स आरजीबी का यूज़ करेंगे, शिफ्ट ए मिक्स आरजीबी एंटर इसको कलर में, और इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। अच्छा ये वेक्टर को भी कनेक्ट करना है, सॉरी वेक्टर के अंदर। तो तीसरा स्टेप भी हमने इसीलिए फॉलो किया कि इसमें और ज़्यादा हम स्मूथनेस ऐड करेंगे। अच्छा ये सेटिंग जो है आप प्ले कर सकते हो अपने हिसाब से, अगेन ये जो कलर है ये आप चेंज कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कंट्रास्ट लुक अगर आपको चाहिए तो आप ब्लैक कलर इंक्रीज़ कर सकते हो, और थोड़ा डल लुक चाहिए अगर तो वाइट कलर इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं ब्लैक को इंक्रीज़ करूँगा तो आप देख सकते हो ब्लैक कलर जो है, जो काफ़ी जो शार्प लाइन थी अब वो जो है स्मूथनेस में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए मैंने तीसरा स्टेप जो है अगेन नॉइस टेक्सचर का ही यूज़ किया है। और अगेन अगर वाइटनेस अगर आपको इंक्रीज़ करनी हो तो कर सकते हो, वैसे लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे ये आपके सिस्टम पर भी डिपेंड करेगा। तो ये सेटिंग मैंने रखी है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करेगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है, तो ये पूरा जो नोड्स है इसे हम एक साइड पर रख देंगे। अब हमें इसमें ग्लोसी लुक देना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मार्बल जो है वो एक ग्लोसी सब्जेक्ट है, तो ग्लोसी लुक देने के लिए अगेन कलर रैम्प का यूज़ करेंगे, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, और नॉइस टेक्सचर भी सेम। इस फैक्टर को फैक्टर में, इस कलर को जो है रफनेस में कनेक्ट करेंगे, और ये वेक्टर को डायरेक्टली वेक्टर में ज्वाइन करेंगे। अच्छा रफनेस में आपको ज्वाइन करना है ताकि आप इसको जो है ग्लोसी और रफनेस अप्लाई कर सको। अब आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ग्लोसी हो चुका है। अच्छा अगर मैं इसमें ब्लैक कलर इंक्रीज़ करूँगा तो उतना ज़्यादा एक ग्लोसी बनेगा, और अगर जितना इससे मैं डिक्रीज़ करूँगा तो ये डिफ्यूज़ बनेगा। तो मुझे जो है थोड़ा ग्लोसी लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसे ब्लैक कलर को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं करना है वरना मिरर की तरह लगेगा।
आई थिंक ये सेटिंग परफेक्ट है। अच्छा अब एक लास्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा डिटेल ऐड करना, मतलब कि बम्प नोड। तो बम्प नोड पहले ऐड करेंगे हम शिफ्ट ए वेक्टर बम्प, यहाँ पर इस नॉर्मल को कनेक्ट करेंगे नॉर्मल के साथ। अगेन कलर रैंप को डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर, इसको डिफॉल्ट पर लेकर आएंगे और कलर को हाइट में ज्वाइन करेंगे और इस फैक्टर को डायरेक्टली इस फैक्टर में ज्वाइन करेंगे। नया नॉइस टेक्सचर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा टाइम लगा लोड होने में, तो फाइनली हमें ये डिटेल मिल चुकी है। लेकिन आप देख सकते हो डिटेल जो है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एक पत्थर की तरह लग रहा है। अच्छा ये बम्प नोड का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? जब आपको एक इल्यूजन देना है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट में वैसे फिजिकली कोई डिटेल नहीं है इसमें, लेकिन ये हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें डिटेल है, तो ये बम्प नोड का कमाल है। वैसे एक नोड और होता है जिसे हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट मैप। डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्ट को फिजिकली कन्वर्ट कर देगा डिटेल ऐड करने के लिए, लेकिन जो बम्प नोड है वो फिजिकली कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ हमें एक इल्यूजन देगा। वैसे ये एक और टॉपिक है, वो हम किसी और टॉपिक में, सॉरी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम बम्प नोड का इस्तेमाल करेंगे और इसका जो स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ को हम रखेंगे 0.1। और अगर 0.1 भी आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप कम कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जब इसे रेंडर करेंगे, अगर मैं इसे रेंडर करूँ और ईवी में मैंने इसे रेंडर किया, तो आप देख सकते हो डिटेल अब थोड़ी ज़्यादा लग रही है हमें। तो यहाँ से मैं इसमें रखूँगा 0.05। तो अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, तो 0.03 ये परफेक्ट है। अच्छा अब हम इसे साइकिल में रेंडर करेंगे और यहाँ पर वर्ल्ड लाइट को यूज़ करेंगे टेम्पररी। फाइनली हमारा रेडी हो चुका है मार्बल मटेरियल। तो ये मार्बल मटेरियल को आप जो है सेव कर सकते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट पर इसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो मार्बल की ज़रूरत वैसे काफ़ी ज़्यादा होती है, खास करके आर्किटेक्चर में इसकी ज़रूरत आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। तो वीडियो फिनिश हो चुका है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।